हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं मार्च फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने 2016-17 के लिए टैक्स फ्री स्टेट बजट प्रपोज किया, हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? करेक्ट आंसर है कैप्टन अभिमन्यु। इस बजट में ज़्यादा फोकस रूरल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स पर किया गया। 13% से ज़्यादा का बजट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को एलोकेट किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल किस राज्य में 270 मेगावाट थर्मल यूनिट अधिकृत करेगा? करेक्ट आंसर है पंजाब। अमृतसर के तरन ताल डिस्ट्रिक्ट में गोइंदवाल साहिब सिटी में जीवीके पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के 540 मेगावाट कैपेसिटी के गोइंदवाल साहिब कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भेल अपनी दूसरी 270 मेगावाट थर्मल यूनिट कमीशन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम है प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत और इंडोनेशिया में सेफ वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 92.84 करोड़ रुपीस डोनेट करेगी? करेक्ट आंसर है IKEA। सेफ वाटर और सैनिटेशन के लिए IKEA रुपीस 92.84 करोड़ water.org को देगी ताकि वह अपने वाटर क्रेडिट मॉडल को एक्सपांड कर सके। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 2% कम्युनिकेबल डिजीज अनसेफ वाटर से होती है। IKEA एक मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो कि फर्नीचर्स, अप्लायंसेस और होम एसेसरीज को बेचती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IKEA के CEO हैं पीटर एग्नेफियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस देश के साथ 10 अग्रीमेंट साइन किए हैं जिनमें से एक तिब्बत रेल इंक नेपाल तक एक्सटेंड करना है? करेक्ट आंसर है चाइना। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि वह चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा है और नेपाल के पास कोई भी समुद्र तट नहीं है और वह व्यापार के लिए भारत पर डिपेंडेंट है। भारत पर से इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए नेपाल ने चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत तिब्बत से होती हुई दोनों देशों के बीच रेल लाइंस बिछाई जाएगी। इस अग्रीमेंट के बाद नेपाल की भारत पर टोटल डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो जाएगी। नेपाल में होने वाला टोटल ट्रेड का 98% थर्ड कंट्री ट्रेड भारत के थ्रू होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, करेंसी रुपीस, कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत के 250,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी? करेक्ट आंसर है सिस्को। सिस्को यह ट्रेनिंग अगले 18 से 24 महीनों में देगा। इस इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव गांवों तक इंटरनेट लाना और जॉब्स क्रिएट करना है। यह कंपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेगी जिसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिस्को वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है। इसके CEO हैं चुक रॉबिन्स, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014-15 में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए कृषि कर्मन अवार्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य को दिया गया? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। 2014-15 में एडवर्स वेदर कंडीशन के बावजूद हिमाचल प्रदेश के द्वारा फूड ग्रेन्स के हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए राज्य को कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड टोटल फूड गेन्स कैटेगरी सेकेंड के लिए दिया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, CM है वीरभद्र सिंह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुजान सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV कुन्ही रामन
लिटरेसी प्राइज 2016 के लिए किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है एम सुकुमारन। मलयालम राइटर एम सुकुमारन को सी वी कुन्ही रामन लिटरेसी प्राइज 2016 के लिए सेलेक्ट किया गया। ये मलयालम ऑथर और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका जन्म केरला के पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के चित्तूर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांजीबार का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? करेक्ट आंसर है अली मोहम्मद शेन। अक्टूबर 2015 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें फ्रॉड होने से उन्हें कैंसिल कर दिया गया था, और मार्च 2016 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिर से हुए और इसमें अली मोहम्मद शेन को एज अ प्रेसिडेंट चुना गया। जांजीबार की कैपिटल जांजीबार सिटी, करेंसी है तंजानिया शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाटर डे। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य वाटर से जुड़े इश्यूज को समझने और जानने की अपॉर्चुनिटी दुनिया को देना है। 2016 के लिए इसकी थीम है वाटर एंड जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मर इंटेल सीईओ जिनका निधन हो गया, उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है एंड्रयू ग्रोवर। किस राज्य ने एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस बिल पास किया है? करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब असेंबली ने द पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस बिल 2016 पास किया। इस बिल का उद्देश्य एग्रीकल्चरिस्ट, लेबर्स और जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट्स हैं, उन सभी को फेयर सेटलमेंट और डेप्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स में रिलीफ देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र देव कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार मनरेगा वेजेस को कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी? करेक्ट आंसर है 6%। इस नई इंक्रीज्ड वेजेस की कैलकुलेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, जिसे शॉर्ट में सीपीआई रूरल भी कहते हैं, के बेसिस पर की गई है। इससे पहले तक वेजेस की कैलकुलेशन सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर पर की जाती थी। सीपीआई रूरल को यूज करने का मेन रीजन यह है कि सीपीआई रूरल सीपीआई एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा रीसेंट है और यह वर्कर्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा केरला की मिनिमम वेजेस लगभग 500 रुपये है, जो कि देश में दूसरे राज्यों से ज़्यादा है, और बिहार की मिनिमम वेज 170 रुपये से कम है, जो कि देश में सबसे कम है। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी कौन से राज्य में 250 मेगावाट की यूनिट कमीशन करेगी? करेक्ट आंसर है बिहार। एनटीपीसी बिहार के नाभीनगर थर्मल पावर स्टेशन पर 250 मेगावाट कैपेसिटी की एक यूनिट कमीशन करेगी। यह पावर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड के द्वारा ओन्ड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कैपिटल पटना, गवर्नर हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी ब्रिक्स एनुअल समिट 2016 होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर है 8th। यह 8th एनुअल समिट गोवा में 15-16 अक्टूबर को आयोजित होगी। ब्रिक्स नेशंस हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस समिट का लोगो एक लोटस है, जिसका कलर 5 मेंबर कंट्रीज से लिया गया है और इसके सेंटर में ट्रेडिशनल नमस्ते का साइन है। 2016 के लिए ब्रिक्स समिट की थीम है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2015 में ब्रिक्स समिट का वेन्यू था
यूएफए रशिया, गोवा की कैपिटल है पणजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज, ब्रिक्स बैंक एनबीडी के हेड हैं केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने किस ऑर्गेनाइजेशन की सिल्वर जुबली को ऑनर देने के लिए कस्टमाइज्ड स्टैम्प लॉन्च किए हैं? करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। इंडिया पोस्ट ने पहली बार कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प लॉन्च किया है और HAL पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट बना है। HAL के द्वारा लॉन्च किए गए इस स्टैम्प में HAL की पास्ट 75 इयर्स की जर्नी को दर्शाया गया है। इस लोगो में HAL का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट HT2 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को दर्शाया गया है। इसके साथ ही एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव को भी दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर VM चमोला, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उषा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर LASI लासी, जिसकी फुल फॉर्म है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। भारत में एडल्ट हेल्थ और एज से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरनेशनली कंपेरेबल सर्वे डेटा नहीं है। यह लासी 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में नेशनल सर्वे करेगा, जिसके बाद भारत की एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन की एज के प्रोसेस को समझने में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर JP नड्डा, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर BP शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन CEO को विश्व के टॉप 30 ग्लोबल CEOs में रखा गया है? करेक्ट आंसर है D, बोथ ANC यानी कि आनंद महिंद्रा एंड आदित्य पुरी। आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ओनर हैं और आदित्य पुरी HDFC बैंक के ओनर हैं। यह 30 CEOs की ग्लोबल लिस्ट बैलेंस के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस कंपनी का शेयर होल्डर और ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है स्मार्ट्रॉन। स्मार्ट्रॉन एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया है और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसिडर भी बन गए हैं। यह कंपनी स्मार्ट डिवाइसेस और IoT प्रोडक्ट्स यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोडक्ट्स बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्मार्ट्रॉन के फाउंडर हैं महेश लिंगा रेड्डी। सचिन तेंदुलकर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA के द्वारा 2016-17 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने % फोरकास्ट की गई है? करेक्ट आंसर है 7.75%। करंट फिस्कल ईयर 2015-16 के लिए इंडियन इकोनॉमी की फोरकास्टेड GDP रेट 7.6% है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर 2016-17 के लिए इसे ICRA के द्वारा 7 to 7.75% के बीच फोरकास्ट किया गया है। GDP ग्रोथ में इंक्रीज इसलिए फोरकास्ट किया गया है क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 सेंट्रल पे कमीशन और 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ICRA की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे 1991 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ब्यूरो ऑफ NHRI ICC का मेंबर अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है HL दत्तू। चीफ जस्टिस HL दत्तू को
ICC ब्यूरो ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो कि जिनेवा में स्थित है का मेंबर अपॉइंट किया गया है। NHRI ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च को किस दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है डी बी एंड सी बोथ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड वर्ल्ड मार्चर्स डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि मौसम विज्ञान दिवस इसे इस दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और दूसरा है मार्चर्स डे जिसे भारत में सर्वोदय डे और शहीद दिवस भी कहते हैं। इस दिन को भगत सिंह सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के द्वारा किए गए देश के लिए सेक्रीफाइस की याद में मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइन इनॉग्रेट की है। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 मेगावाट पावर सप्लाई जो कि त्रिपुरा के पलटना से बांग्लादेश को रिमोट कंट्रोल के थ्रू की गई और इसके लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इंडिया को 10 GB इंटरनेट बैंडविड्थ प्रोवाइड की। यह पूरा प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मिनिस्टर ने फसल बीमा योजना स्कीम लॉन्च की है। करेक्ट आंसर है अरुण जेटली। यह स्कीम फार्मर्स के लिए क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम है जो कि फार्मर्स को नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट उनकी क्रॉप्स को इंश्योर करेगी। इस स्कीम को अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स को खरीफ फूड गेन्स और ऑयल सीड्स पर 2% का प्रीमियम और रबी क्रॉप्स पर 1.5% का प्रीमियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्रिएट करने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है। करेक्ट आंसर है फ्रांस। इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण महाराष्ट्र के जेतापुर में किया जाएगा। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने 9900 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन पर यह देश का सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग स्टेशन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट हैं फ्रेंकोइस हॉलैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट कमेटी ने उड़ान स्कीम कब तक के लिए अप्रूव की है। करेक्ट आंसर है 2019-20। इनिशियली यह स्कीम 2015-16 के लिए सेट की गई थी लेकिन अब इसका पीरियड 2019-20 तक कर दिया गया है। उड़ान स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ 67 लीडिंग कॉरपोरेट्स ने पार्टनरशिप की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती, डिप्यूटी CM निर्मल कुमार सिंह। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भेल ने किस राज्य में 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया है। करेक्ट आंसर है तेलंगाना। यह 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जिसमें 4 सिलेंडर टरबाइन होंगे इन हाउस बिल्ड किया गया है। इससे पहले भेल के द्वारा तेलंगाना के काकतिया में 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव, कैपिटल है हैदराबाद। भेल जिसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD ने कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए
स्टैंडर्डाइज्ड ई फॉर्मेट क्यों रिलीज किया है? टू असिस्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टैंडर्डाइज्ड ई फॉर्मेट्स को रिलीज करने का मेन उद्देश्य कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स के एक्सचेंज में BEPS यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है। OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, OECD का सेक्रेटरेट पेरिस फ्रांस, मेंबरशिप 34 स्टेट मेंबर्स, सेक्रेटरी जनरल जॉस एंजल गोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट करने की अनाउंसमेंट की है? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। भारत की क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए वर्ल्ड बैंक $1.5 बिलियन का फंड देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम, हेडक्वार्टर्स Washington DC। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका स्लोगन है वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोलेट्रल मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग के लिए NBHC के साथ टाई अप किया है? करेक्ट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री ट्रेडर्स और फार्मर्स को उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के अनुसार फिनेंस प्रोवाइड करना है। NHBC की फुल फॉर्म है नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लक्ष्मी विलास बैंक के CEO पार्थ सारथी मुखर्जी, इसे 1926 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है प्रमोद कोहली। ये सिक्किम हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC के द्वारा अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने वर्ल्ड T20 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है शेन वॉटसन। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन ICC वर्ल्ड T20 के बाद इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे यानी कि वर्ल्ड TB डे। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मेन उद्देश्य TB से जुड़े इश्यूज के लिए अवेयरनेस बढ़ाना है और इस डिजीज को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। 24 मार्च को हर साल WHO के द्वारा प्रमोट किया जाता है। 2016 के लिए वर्ल्ड TB डे की थीम है यूनाइट टू एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला CM कौन है? करेक्ट आंसर है महबूबा मुफ्ती। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला CM बनी है जो 4 अप्रैल को शपथ ग्रहण करेगी। इसके साथ ही ये देश की पहली मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर है। जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल है, समर में श्रीनगर और विंटर्स में जम्मू। गवर्नर है नरेंद्र नाथ वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से राज्य ने इनॉग्रेट किया है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी को कनेक्ट करता हुआ देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक हर साल लगभग 110 दिन के लिए बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यह 80 ट्रिलियन मैट्रिक क्यूब फिट का इरिगेशन प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इस प्रोजेक्ट को गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने परमिट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर ESL नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्रूव की है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? करेक्ट आंसर है
प्रोवाइडिंग हाउसेज टू होमलेस पीपल इन रूरल एरियाज। इस स्कीम के अंतर्गत सभी को 2022 तक घर प्रोवाइड करने का उद्देश्य है। यह स्कीम दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश के रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट होगी। इसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रेशियो प्लेन एरियाज में 60:40 यानी कि 60% सेंटर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज में 90:10 का रहेगा। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जैपनीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी JICA के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है मिजोरम। JICA ने 2013 और 2015 के बीच डेवलपमेंट स्टडी कंडक्ट की और अगले 20 सालों को कवर करते हुए मास्टर प्लान तैयार किया। इसके साथ ही इस साल अक्टूबर में टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, जो कि सितंबर 2021 तक कंटिन्यू रहेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिजोरम की कैपिटल इजाल, चीफ मिनिस्टर लाल थनहावला, गवर्नर निर्भय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US कांग्रेस ने एक बिल पास किया है ताकि कौन सा देश एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन को ज्वाइन कर सके? करेक्ट आंसर है इंडिया। US कांग्रेस ने सीनेट में यह बिल पास किया जिससे इंडिया भी APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की मेंबर बन जाएगी। इससे इंडिया और US के बीच हुए अग्रीमेंट्स को फायदा होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, APEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर एलन बोलार्ड, हेडक्वार्टर्स सिंगापुर, मेंबर कंट्रीज 21, इसे 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VMI रिसर्च ने 2016-17 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितने परसेंट फोरकास्ट की है? करेक्ट आंसर है 7.2%। BMI ने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए 7.2% GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, जो कि पिछले साल यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 7.3% थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO ने करंट फिस्कल ईयर के लिए 7.6% GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, और नोमुरा जो कि जैपनीज फाइनेंशियल कंपनी है, उसने करंट फिस्कल ईयर के लिए 7.8% फोरकास्ट की है, जो कि लास्ट ईयर 7.6% थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, BMI का हेडक्वार्टर लंदन UK, इसे 1984 में फाउंड किया गया था। इसके CEO हैं रिचर्ड हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIPP ने इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर में FDI को कितने परसेंट से इंक्रीज करने का अप्रूवल दिया है? करेक्ट आंसर है 49%। DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर्स को लिबरलाइज करते हुए FDI को बढ़ाकर 49% कर दिया है। इससे पहले इन सेक्टर्स में FDI 26% था। देश में करंट फिस्कल ईयर में FDI 40% से बढ़ा है, जो कि $29.44 बिलियन है। पेंशन सेक्टर रेगुलेटर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US के द्वारा हुए इन्वेस्टमेंट में इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक किया है? करेक्ट आंसर है चाइना। US ट्रेजरी से रिलीज किए गए एक डेटा के अनुसार दिसंबर 2015 तक भारत के पास US फॉरेन इक्विटी का 1.8% होल्डिंग है और चाइना के पास 1.6% होल्डिंग है। इसके साथ ही भारत में सितंबर 2013 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $7 बिलियन था, जो कि दिसंबर 2015 में बढ़कर $12 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून के द्वारा जारी की गई एक सूची के अनुसार विश्व के 50 ग्रेटेस्ट लीडर में कौन शामिल है? करेक्ट आंसर है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल को फॉर्च्यून के द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में 42nd रैंक पर रखा गया। इस लिस्ट में टॉप पर अमेजन के चीफ
जेफ बेजोस हैं। फॉर्च्यून ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाई गई स्कीम जिसके अंतर्गत ऑल्टरनेट डेज पर ऑड इवन नंबर्स की व्हीकल को अलाउ करना ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके के लिए इनका नाम 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जिनका निधन हुआ उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है जोहान क्रिफ। ये हॉलैंड के फुटबॉलर हैं जिनका 68 ईयर की उम्र में निधन हुआ। इन्हें 3 इवेंट्स में वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। यूनियन पावर मिनिस्टर के अनुसार भारत कौन से साल तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल देश बन जाएगा? करेक्ट आंसर है 2030। गवर्नमेंट जीरो डाउन पेमेंट पर इलेक्ट्रिक कार्स प्रोवाइड करने की स्कीम पर काम कर रही है। इस मिशन में सक्सेस के बाद इंडिया इस तरह की साइज के देशों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करने वाला पहला देश बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल, रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 195 मेगावाट कैपेसिटी का चौथा थर्मल पावर प्लांट बिहार में कमीशन करेगी? करेक्ट आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन की 195 मेगावाट की फोर्थ यूनिट नेशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगी। इस प्लांट को कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा ओन्ड किया गया है और यह एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर है और इन कंपनीज की शेयर होल्डिंग 64.57% और 35.43% रिस्पेक्टिवली है। एनटीपीसी की 195 मेगावाट की थर्ड यूनिट 31 मार्च 2015 को सेट की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपना पहला इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP मॉडर्न वेपन ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करेगा? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यह सेंटर टोटल 2100 करोड़ रुपए की कॉस्ट से लगभग 1800 एकड़ एरिया में बातीगढ़ और फतेहगढ़ के बीच स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरह का सिमिलर ट्रेनिंग सेंटर अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, गवर्नर है राम नरेश यादव, CM शिवराज सिंह चौहान, स्टेट एंड यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। UN की रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो देश 2015 में रिन्यूएबल एनर्जी में लीडिंग इन्वेस्टर्स की तरह उभरे हैं? करेक्ट आंसर है इंडिया और चाइना। UN एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2016। चाइना का रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट 17% से बढ़कर $102.9 बिलियन हो गया है और इंडिया का कमिटमेंट 22% से बढ़कर $10.2 बिलियन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट हैं मोगन्स लैक्टॉफ्ट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। इसे 24 अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सोलर पैनल फैसले में WTO में किस देश के खिलाफ अपील दर्ज की है? करेक्ट आंसर है USA। इससे पहले USA ने इंडिया के खिलाफ WTO में कंप्लेन की थी कि इंडिया डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मेजर्स के थ्रू WTO के ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस के नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, यानी कि इंडिया ने WTO के ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को तोड़ा है। 2011 के बाद से US से इंडिया को हो रहे सोलर एक्सपोर्ट्स लगभग 90% तक गिरे हैं और US का मानना है कि इंडिया अब होम प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट्स नहीं कर रही है। US की इस कंप्लेंट के खिलाफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने भी WTO में US के अगेंस्ट ट्रेड डंपिंग के लिए कंप्लेंट की है।
डंपिंग का मतलब है जब इंटरनेशनल ट्रेड में कोई कंपनी या कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को किसी और देश में एक्सपोर्ट करती है तो उसकी प्राइस फॉरेन मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में कम होती है, यानी कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की घरेलू बाजार में कीमत ज़्यादा और विदेशी बाजार में कीमत कम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, WTO के प्रेसिडेंट रॉबर्टो एजवेडो, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए कौन से महीने में क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर है सितंबर। रुपए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा ओन्ड किया गया है जो कि सितंबर में क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करेगी। इसके लॉन्च के पहले साल में ये लगभग 1,00,000 क्रेडिट कार्ड्स इशू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के द्वारा MSMEs के रिवाइवर और रिहैबिटेशन के लिए इशू की गई रिवाइज फ्रेमवर्क के अनुसार सभी बैंक्स को किस दिन तक ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करनी होगी? करेक्ट आंसर है 30 जून 2016। ये गाइडलाइंस उन MSMEs पर एप्लीकेबल होगी जिनकी लोन लिमिट 25 करोड़ रुपए तक है और उनके अकाउंट्स कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत हैं। MSMEs की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, RBI के गवर्नर रघुराम राजन जो कि RBI के 23वें गवर्नर हैं। RBI को 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील यूरोप के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है? करेक्ट आंसर है कार्ल कॉलर। कंपनी की वर्स्ट परफॉर्मेंस के चलते कार्ल कॉलर ने इस्तीफा दिया। अब उन्हें रिप्लेस कर हैंस फिशर जो कि टाटा स्टील यूरोप के चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, टाटा स्टील यूरोप के CEO बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर MP लाल मुनि चौबे जिनका हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? करेक्ट आंसर है BJP। ये 1996 से 1909 तक 4 बार बुक्सार डिस्ट्रिक्ट के MP सेलेक्ट हुए थे और 3 बार कामूर के MLA रह चुके हैं। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। हाल ही में JP नड्डा ने रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च की है ताकि वह किस डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके? करेक्ट आंसर है डायरिया। यह रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। देश में डायरिया से हर साल 5 साल से कम उम्र वाले 80,000 से 1,00,000 बच्चों की डेथ हो जाती है। यह रोटा वायरस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करेगा। यह वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अवेलेबल होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। 18 मार्च को स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में नामंजूर किए गए अप्रोप्रिएशन बिल को पास्ट बताया। उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इमोरल बताया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, चीफ मिनिस्टर हरीश रावत, गवर्नर KK पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल्स रिवील किए गए। इंटरनेशनल योगा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है 21 जून। इन प्रोटोकॉल्स को आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। गोवा में आयोजित हुए आरोग्य मेले में 26 मार्च को श्रीपद येसु नायक के द्वारा ये प्रोटोकॉल्स रिलीज किए गए। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 के लिए दिल्ली का 46,600 करोड़ रुपीस का एनुअल बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया?
करेक्ट आंसर है मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए टैक्स फ्री बजट पेश किया जिसके अंतर्गत वैट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया गया, यानी कि सर्विसेज पर लगने वाले वैट को कम कर दिया गया है। इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन सेक्टर पर किया गया है और इसके लिए 10,690 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, जो कि टोटल एलोकेशन का 23% है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी को हाईली मोबाइलाइज्ड ट्रक सप्लाई करने के लिए किसने इंडियन आर्मी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ऑलरेडी 1239 यूनिट्स इंडियन आर्मी को सप्लाई कर चुका है। टाटा 6x6 HMV जो कि मल्टी एक्सल ट्रक्स हैं, ये लोडिंग अनलोडिंग में काम आते हैं और पैलेट्स, स्पेयर्स और जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में इन्हें यूज़ किया जाता है। ये 6x6 HMV इंडिजीनियसली डेवलप्ड व्हीकल हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टाटा मोटर के CEO गुंटर बर्ट्स चेक, डिफेंस मिनिस्टर हैं मनोहर पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th इंटरनेशनल एबलिंपिक्स कहाँ आयोजित हुए? करेक्ट आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस के बॉर्डवॉक्स में 25-26 मार्च को आयोजित हुए। इसके अंतर्गत 5 डिफरेंट कैटेगरीज सर्विसेज, IT, इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड फूड में कंपटीशन आयोजित हुआ। इसमें 35 पार्टिसिपेटिंग टीम्स के 600 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, PM मैनुअल वॉल्स, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? करेक्ट आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि PR श्रीजेश और दीपिका ने यह अवार्ड जीता। PR श्रीजेश को मेंस और दीपिका को वुमेन्स ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। लेट कैप्टन शंकर लक्ष्मण ने मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर है भारती एस प्रधान। इस किताब में शत्रुघ्न सिन्हा की बॉलीवुड से पहले की स्ट्रगल लाइफ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को वर्ल्ड थिएटर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है मार्च 27। थिएटर एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोफेशनल एक्टर्स अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के सामने स्टोरी को लाइव करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI के द्वारा 1961 से यह एनुअल इवेंट वर्ल्ड थिएटर डे के नाम से जाना जाता है, जिसे हर साल 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 6th इकोनॉमिक सेंसस रिपोर्ट रिलीज की है? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर प्रदीप चौहान के द्वारा रिलीज की गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सेंसस कंप्लीट कर रिपोर्ट रिलीज की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, CM है वीरभद्र सिंह, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में वेस्ट बंगाल में 40 मेगावाट कैपेसिटी की हाइड्रो पावर जनरेटिंग यूनिट कमीशन की है? करेक्ट आंसर है भेल। भेल ने यह 40 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेटिंग यूनिट वेस्ट बंगाल के टीस्टा लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 4 में लॉन्च की है। इसके बाद टोटल एस्टिमेटेड एनुअल एनर्जी जनरेशन 720 मिलियन यूनिट्स हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, CM है ममता बनर्जी,
गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के क्लीन एनर्जी एक्सपांशन प्लान को ज्वाइन करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि एडीबी और यूएसएआईडी ने भारत के साथ एमओयू साइन किया है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएसएआईडी की फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, प्रेसिडेंट है टाकेहिको नकाओ, इसे 1966 में फाउंड किया गया था। यूएसएआईडी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी, इसे 3 नवंबर 1961 को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अडॉप्टिंग होम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्कीम लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। इस स्कीम के अंतर्गत डिसेबल पर्संस को उनकी 6 महीने की पेंशन एडवांस में दी जाएगी ताकि वे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार घर ले सके। गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के लिए सेलेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर है इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इसकी अनाउंसमेंट की। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पहले फीफा अंडर 16 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, जिसे 2007 से फीफा अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे 1985 में स्टैब्लिश किया गया था। 2015 की चैंपियन टीम नाइजीरिया, 2015 में इसे चिली ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने राजस्थान के लिए कितना डेवलपमेंट पॉलिसी लोन अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर है $250 मिलियन। यह लोन राजस्थान गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया ताकि स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे सभी प्रोग्राम्स के लिए हर दिन 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस, इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था, इसके फाउंडर हैं जॉन एंड हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक बैंगलोर और अर्नाकुलम में स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर सेट करेगी? करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स कैपिटल पर एडवाइस, रेगुलेटरी सपोर्ट और बैंक ब्रांचेस में कैसे फंड को डिसबर्स करना है, ये सर्विसेज ऑफर करेंगे। फेडरल बैंक ने अपनी मोबाइल पेमेंट्स एप्लीकेशन चिल्लर भी लॉन्च की है ताकि वह HDFC बैंक और SBI को कम्पीट कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर्स केरला, इसे 1945 में कोची में फाउंड किया गया था। इसका स्लोगन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेवी ने सक्सेसफुली बराक मिसाइल का परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर नेवी ने साउथ चाइना सी में फ्लीट एक्सरसाइज के दौरान इस बराक मिसाइल का परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंगापुर के मिनिस्टर फॉर डिफेंस डॉक्टर नग इंग हैन, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर हाल ही में जारी की गई हेल्दीएस्ट कंट्रीज की रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकन को बैंक ऑफ द वेस्ट का प्रेसिडेंट एंड CEO अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है नंदिता बख्शी। माइकल शेफर्ड को रिप्लेस कर नंदिता बख्शी को नया CEO बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैंक ऑफ द वेस्ट का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएस, इसे 1874 में फाउंड किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2016 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। उन्हें यह अवार्ड पीकू फिल्म के लिए दिया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स इंडियन सिनेमा के लिए सिनेमैटिक अचीवमेंट्स और एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को दिए गए थे। अदर अवार्ड्स हैं बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रानावत, बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट फिल्म बाहुबली, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, बेस्ट पॉपुलर फिल्म बजरंगी भाईजान, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड गुजरात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।